अस्सलाम वालेकुम, आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। तो आज फिर लाए आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो, जो कि LCA ब्रांड की जानिब से M360+ CPU कूलर की है। और आपको बताते चले कि ये एक डिजिटल कूलर है, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो डिस्प्लेड आपको डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो बढ़ते हैं और इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कम्प्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर 230+ वीडियोज़ अपलोडेड हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और मोर ओवर अराउंड 30 to 35 कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस भी मौजूद हैं, जिनको आप तो पढ़ते हैं इसकी कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स की जानिब। सबसे पहले बॉक्स की लुक आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और आपको ये बताते चलें कि LCA जो है रिलेटिवली पाकिस्तान के अंदर एक न्यू कमिंग ब्रांड है, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने हाई एंड कंपोनेंट्स की वजह से मार्केट के अंदर अपनी एक वर्थ जो है वो कायम कर ली है। तो देखते हैं कि ये वर्थ किस हद तक बाकी है। इस कूलर का मॉडल जो है वो अनबॉक्स करते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि LCA ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे इसी चैनल पे अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ की शक्ल में पड़ी हुई हैं। मोर ओवर आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं किया जाता और टोटली अनबायस्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बाई करने से पहले ले पाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है LCA ब्रांड की जानिब से M360+ CPU कूलर, जिसका डिजिटल LCD डिस्प्ले आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ASRock पॉलीक्रोम सिंक के साथ है, ASUS Aura सिंक के साथ है, और ये चूंकि एक ARGB कूलर है तो डेफिनेटली ये सिंक्रोनाइज हो सकता है। तो बॉक्स की लुक जो है वो फ्रंट साइड से दिस इज़ हाउ द कूलर लुक्स लाइक। और यहां पे मैंशनड है इसकी डिटेल टेक्निकल स्पेक्स इस जानिब। तो चलिए ज़रा इन पर नज़र डालते हैं जल्दी से, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। बट आई थिंक सो कि यहाँ पर इस रैपिंग की वजह से एक रिफ्रैक्शन जनरेट हो रहा है, तो इसको पहले उतार देते हैं। तो अब आप वाजे तौर पे बहुत अच्छी इसकी लुक जो है वो देख पा रहे होंगे, दिस इज हाउ द कूलर लुक्स लाइक। और इस चैनल मौजूद हैं इसकी कुछ डिटेल टेक्निकल स्पेक्स, तो आपको जल्दी से ये बता देते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप वाटर ब्लॉक की डायमेंशंस देख पा रहे हैं, चूँकि ये 360L कूलर है तो यहाँ पे 120mm के 3 फैन मौजूद हैं, और 65x67x83mm जो है वो इसके वाटर ब्लॉक की डायमेंशन है। इसके साथ साथ इसमें कॉपर जो है मटेरियल के अंदर एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक यूज़ किया गया है। जो पम्प मोटर है इसकी रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट है, और स्पीड जो है वो 2600 RPM में प्लस माइनस 10% इसकी अनएक्यूरेसी साथ मौजूद है। बेयरिंग जो है वो इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं है, लेकिन सिरेमिक बेयरिंग यूज़ किया गया है डेफिनेटली, जिससे एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके रेडिएटर की बात करें तो इसकी डायमेंशन हैं 396x120x27mm। मटेरियल जो है प्योर एल्यूमिनियम है, मीन एल्यूमिनियम से बना हुआ इसका ब्लॉक है। कलर इसका ब्लैक है, चूँकि ये ब्लैक के अंदर ब्लैक पीसी बिल्ड्स के अंदर और वाइट में वाइट पीसी बिल्ड में यूज़ होता है, तो हम इसको एक एमिनेंट एक ब्लैक पीसी बिल्ड के अंदर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे फ़ैन की बात है तो डायमेंशन इसकी वही 120x25 हैं। 12 वोल्ट इसकी रेटिंग है, और उसके साथ करंट जो है वो 0.25 एम्पियर रिक्वायर्ड है। इसके जो फ़ैन स्पीड है दैट इज़ 700 to 2000 RPM, जबकि यहाँ पे आपको जो 2600 RPM बताया गया दैट इज़ द RPM ऑफ द पम्प मोटर। और उसके साथ साथ एयर फ्लो जो है दैट इज़ 27.8 से लेकर 77.65 क्यूबिक फीट पर मिनट तक है, प्लस माइनस इसकी 10% एक्यूरेसी है। एयर प्रेशर जो ये जनरेट करता है दैट इज़ 0.27 से लेकर 2.3 mm ऑफ वाटर। नॉइज़ लेवल जो है 19.5 to 42.3 dB डिपेंडिंग अपॉन द RPM। और उसके साथ बेयरिंग टाइप जो है वो फ़ैन के अंदर हाइड्रोलिक बेयरिंग यूज़ किया गया है। और जहाँ तक ये सॉकेट्स इसके अंदर मेंशन है, तो आपको बताते चलें कि आलमोस्ट ये एक यूनिवर्सल कूलर है, जो कि तमाम फेमस और बड़ी जो सॉकेट्स हैं प्रोसेसर्स की जो इस वक्त चल रही हैं, और पास्ट में जो मौजूद थी कुछ जनरेशन पहले, उनके साथ भी ये कंपेटिबल है। तो जब तक हम इसको इनबॉक्स करते हैं, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोस, जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आती रहेंगी। और इस जानिब इसकी ये क्वालिटी सील मौजूद है, तो लेट्स ओपन इट फर्स्ट।
So here we are greeted with this quick information booklet, our user manual first of all, जिस पर LCA Max series mentioned है और AIO liquid cooler लिखा गया है और उसके कुछ different sizes मौजूद हैं और नीचे जहाँ पे ये कुछ accessory kit जो है वो इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए and let's pull these items outside. जी तो यहाँ पे मौजूद हैं different ब्रैकेट्स जिनको ये सपोर्ट करता है. इसमें इंटेल की ब्रैकेट्स हैं, एएमडी की ब्रैकेट्स हैं और इंटेल की ही 12th जन की ब्रैकेट जो है वो आई होप सो कि इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए. एंड एज टोल्ड अर्लियर ये यहाँ पे तमाम जो फेमस प्रोसेसर की ब्रैकेट्स चल रही हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए इसमें डिफरेंट ब्रैकेट्स मौजूद हैं डेफिनेटली. और ये हमें मिल जाती है इसकी एक पावर केबल जिस पे इसका मोड, स्पीड एंड लाइट जो है वो मेंशनड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. सो इट्स आल्सो यूज़फुल थिंग. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इसके अंदर एक थर्मल पेस्ट, कुछ आरजीबी केबल्स और इस जानब से कुछ रबर पैड, सिक्रियूस, ईच एंड एवरीथिंग वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है और आपको कुछ भी जो है वो एक्सटर्नली बाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ईच एंड एवरी स्क्रू इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड. तो इस एसेसरी किट के बाद यहाँ पे 360 को टिक किया गया जिसका मतलब है ये 360 कूलर के लिए है. तो अब बढ़ते हैं फैंस की जानिब और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 3 120 mm फैन. वाओ, सो ब्यूटीफुल. यू कैन सी इनका जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज़ आल्सो आरजीबी और ये रिंग आप देख पा रहे हैं इसके अराउंड ये भी आरजीबी है. और इस जानब आप इसके ARGB हेडर देख पा रहे हैं जिसकी मदद से आप इसको कनेक्ट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज के साथ एक डिसेंट डिज़ाइन जिसका सेंटर पोर्शन भी RGB है और रिंग भी इसके अंदर RGB है. और यहाँ पे आपको एक पैड टाइप कुशनिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए डेफिनेटली. और ये आप देख सकते हैं इस साइड से फ़ैन की लुक. और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये एक काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेडी टेक्सचर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल फील हो रही है जो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है. और डेफिनेटली ये पीसी बेल्ट के अंदर जब इंस्टॉल होगी तो एक बहुत ही खूबसूरत डिसेंट और एलिगेंट लुक जो है ये प्रोवाइड करने वाली है बिकॉज केबल मैनेजमेंट जो होती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ऑफकोर्स पीसी की जो ओवरऑल लुक्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने में. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है कि पीसी बिल्ड की लुक जो है वो बहुत अच्छी रहे. और ये ब्लैक कलर के अंदर आप देख पा रहे होंगे. सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल दिस फैन इज़. और ना सिर्फ इसमें ये इंटरनल RGB साथ RGB रिंग मौजूद है बल्कि यहाँ पे एक और बहुत ही डिसेंट एस्पेक्ट जो है वो इस फ़ैन का ये है कि यहाँ पे आप ब्लैक के साथ RGB देख पा रहे हैं जिसका एक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत कंट्रास्ट जो है वो इस फैंस के अंदर आने वाला है और बहुत ही एक आउट क्लास लुक जो है ये फ़ैन हमें देने वाला है. तो बहुत ही केयरफुली इसको डिज़ाइन किया गया है, कम्पिटिटिव एज पे रखते हुए डिज़ाइन किया गया ताकि दूसरे जो अवेलेबल कूलर्स हैं उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा कम्पीट कर सके. और तमाम टेक्निकल डिटेल जो आपको पहले प्रोवाइड की गई हैं अगर उनको जेहन में रखें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. और आप चाहें तो इस फ़ैन को डायरेक्टली जो है वो 4-pin कनेक्टर से सिस्टम फ़ैन से कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप इसका 4-pin हेडर देख पा रहे होंगे जबकि ये जो है वो ARGB को कनेक्ट करने के लिए है. ये 3-pin हेडर है और इसको आप ARGB से कनेक्ट करेंगे. और अब बढ़ते हैं अपने मेन यूनिट की जानिब. और मेन यूनिट की जानिब बढ़ने से पहले यहाँ पर इंटेल की एक और ब्रैकेट जो है वो जो कि 12th जेन ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है ये मौजूद है और इसमें भी तमाम नेसेसरी सिक्रियूस ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है. और इस पर इंटेल और AMD दोनों लिखा गया है जिसका मतलब है कि ये इंटेल और AMD दोनों के साथ ये एक ही सॉकेट जो है वो यूज़ की जा सकती है. और जैसा कि पहले बताया गया है कि ये ऑलमोस्ट तमाम जो जनरेशन्स हैं सॉकेट्स की उनको ये सपोर्ट करता है. तो इसमें टोटल अब तक जो है वो 4 डिफरेंट सॉकेट्स इसके अंदर मौजूद थी. तो अब बढ़ते हैं अपने मेन यूनिट की जानिब विच इज़ द रेडिएटर यूनिट एंड पंप मोटर. और यहाँ पे आप इसकी एक इंतहाई खूबसूरत एक काफ़ी वाइड कॉपर बेस प्लेट देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव लेमिनेशन मौजूद है. और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर इस वजह से ताकि ये इंटेल की जो 12th जनरेशन प्रोसेसर्स हैं उनको भी सपोर्ट करे. काफ़ी वेट फील करवा रही है अपनी कॉपर प्लेट प्लस अपने इस स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल पंप की वजह से. और इसको इस एंगल से आपको दिखाते हैं तो ये
वो LCD एरिया है जिसके ऊपर डिजिटली इसका डिस्प्ले जो है वो रिप्रेजेंट होता है। और हम इंशाल्लाह इससे कूलर को जल्दी एक PC बिल्ड के अंदर यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कूलर के रेलेवेंट जब वीडियो अपलोड हो तो आप वो भी देख सकें और इसकी लुक्स जो है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जबकि इस जानिब चलते हैं तो यहाँ पर मेन रेडिएटर यूनिट है और एज़ टोल्ड अर्लियर ये एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है, तो डेफिनेटली आप इससे बहुत अच्छी थर्मल परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो ओवरऑल 3 फैंस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे स्पेस मौजूद है। और वेट वाइज ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जिसका ये मतलब है कि ये ड्यूरेबल भी है। जबकि इस जानब यहाँ पे LCA की ब्रांडिंग की गई है और ब्रेडेड टेक्सचर के साथ इसके जो पाइप्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल जो है वो फील हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये RGB स्ट्रिप्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भी मौजूद हैं, ये जो वाइट पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये RGB स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर। तो जब ये PC बिल्ड में हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही अच्छी एक एक्सीलेंट और डिसेंट लुक जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये थी आज की हमारी इस खूबसूरत डिसेंट एलिगेंट LCA M360 प्लस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये कूलर बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम ना सिर्फ आपको थ्रू आउट पाकिस्तान ये कंपोनेंट डिलीवर करवा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स भी डिलीवर करवा सकते हैं। एंड आपके पास कंपोनेंट्स अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो हम आपको कैश ऑन डिलीवरी CODB थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके ओवरऑल स्पेक्स की, फीचर्स की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली इट इज़ अप्रूव्ड बाय TGS द गेमिंग स्टोर ड्यू टू इट्स बिल्ड क्वालिटी फीचर्स। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले इसका मिल जाता है, एंड सेकेंडली जो है वो तमाम मेजर जो जनरेशन्स हैं सॉकेट्स की, प्रोसेसर्स की, उनके साथ ये कंपेटिबल है। एंड एज टोल्ड अर्लियर ये इंशाल्लाह जल्दी एक कम्प्लीट PC बिल्ड के अंदर ये कूलर हम यूज़ करने वाले हैं। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कमेंट्स में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो उनका आंसर प्रायोरिटी बेस पे दिया जाता है। अगर आप इस तरह की मजीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कम्प्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।